आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, मैं केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय जहां पर हम मौजूद हैं, ये तरवा विकास खंड का सुंधी गांव पड़ता है और यहां पर हमको जो सूचना दी गई थी उसके मुताबिक हम पड़ताल पे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल करेक्ट जगह अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए हैं, बिल्कुल सही जगह। हमें बताया गया था कि भवन निर्माण में, प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण में सफ़ेद बालू का यूज हो रहा है। यहाँ पर जो मटेरियल लगने चाहिए उसका यूज नहीं किया जा रहा है, पैसे पूरे दिए गए हैं, जबकि ये ग्रामीणों के मुताबिक ये बात सामने आ रही है। अब हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो उपलब्धि है वर्तमान प्रधान की, और यहाँ पे उपलब्धि ये है वर्तमान प्रधान जी के कर कमलों द्वारा इस काम को संपन्न किया गया है। यहाँ पर लगातार काम हो रहा है, मजदूर अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर उग्र जो ग्रामीण थे, जो आक्रोशित थे, जो इस काम से खासे नाराज थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि वास्तविकता क्या है। हमने अभी आपको बताया था कि जो यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, हम उसकी भी पड़ताल करेंगे और यहाँ पर राजगीर मिस्त्री भी हाजिर हैं और ये किस मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं ये भी बताएंगे, और ये जो बाउंड्री वॉल यहाँ पे की जा रही है ये कितनी फिट गहरी है, कितनी टिकाऊ है, कितनी मजबूत है, कितनी बेजोड़ है, इसकी भी चर्चा ये ग्रामीण है यहाँ पर जो है। आप ये बताएं कि जो यहाँ पे काम चल रहा है प्राथमिक विद्यालय पर सुधी पे सुधी, यहाँ पर जो है कि मानक के अनुसार काम आपको दिख रहा है? नहीं। क्या फिर गड़बड़ियाँ क्या हैं? गड़बड़ी आपके सामने दिख रहा है। अभी ये खड़ंजा लगा है, इस ईटे पे मैं कंप्लेन किया था। अभी कुछ दिन पहले मैं मीडिया उडिया को बुलाया था यहाँ पे, या इस ईट का कंप्लेन किया था कि ये लाल पेटी ईटा रखा हुआ है और इसी ईट को यहाँ पे खड़ंजा लगा के इस पे 71,000 रुपये उठा लिए ये लोग। अच्छा। और देखिए खड़ंजा ये तुरंत ये ध्वस्त हो गया। सफ़ेद बालू का हमेशा मैं कंप्लेन किया, फिर भी यहाँ सफ़ेद बालू लगातार सफ़ेद बालू से काम चल रहा है। इसका वीडियो सिग्रेटरी बराबर हम सबके कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एसडीएम साहब को आपने तहरीर दी थी, ऐसा भी बताया गया? हाँ, तहसील दिवस के दिन मैं तहरीर दिया हूँ, वीडियो को जांच करने के लिए भेजे हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। कोई फ़ोन, कोई मतलब मैसेज भी नहीं आया जी भैया? न कोई फोन किया है, न कोई मैसेज किया है, कोई दिक्कत मतलब। कितने दिन हो गए तहसील? शनिवार को लगभग एक हफ्ता होने को जा रहे हैं। हाँ, अभी यही शनिवार को भी चार दिन हुआ। चार दिन में भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। और वो आदेश उनके तक पहुंचा कि नहीं, वीडियो तक? अरे तुरंत यहाँ पे लीक हो गया। अच्छा। जिस दिन हम एसडीएम को दिए यहाँ पे लीक हो गया। अच्छा। दरखास्त जिस दिन हम दिए यहाँ पे लीक हो गया, सबको पता चल गया कि यहाँ दरखास्त पड़ गया है प्रधान के खिलाफ। अच्छा अच्छा। यहाँ पे अधिकारी सब लोग मिले जुले हुए हैं। राजगीर मिस्त्री जी बताएंगे कि इस काम में कितना जो ईंट प्रयोग तो हो रही है यहाँ पर, वो कौन सी ईंट है और इसकी दीवार की जो बाउंड्री का काम चल रहा है वो कितना फिट गहरा है और वह कितना बेजोड़ और मजबूत होगा? ये 2 फीट जो है कि नोक की खुदाई हुई है और 2.5 फुट कालम की खुदाई हुई है, 2 फुट की जाली बनी हुई है, 6 इंची का माल भरा हुआ है और कालम बांध के कांस काम हो रहा है। इसमें सीमेंट कौन सी यूज हुई है? प्रिज्म चैंपियन यूज हो रही है। प्रिज्म चैंपियन? या क्या मजबूत सीमेंट है ये? हाँ, मजबूत तो करते हैं लोग, जो जोड़ देंगे हम वही करेंगे ना। इसका प्राइस कितना है इस सीमेंट का? 53। नहीं, वो प्राइस हमको नहीं पता है। बालू कौन सा लग रहा है सर? बालू आभासी लग रही है और लाल बालू। अच्छा, व्हाइट भी चल रहा है? व्हाइट थोड़ा बहुत पहले चलता था, अब नहीं चल रहा है। नहीं, हमने तो देखा कि वही कुछ जमीन के बिछाने के लिए वो लाग लूंगा था। अच्छा अच्छा, जो फर्श मसाला बन रहा है। अच्छा, अब ईटा कौन सा लग रहा है? इसमें ईटा लाल पेटी है। लाल पेटी है, मजबूत बेजोड़ है ना? नहीं, मजबूत बेजोड़ का इसको हम लेकर बैठे नहीं है, रह गई बात है, जो चल रहा है, जो मिल रहा है वो कर रहे हैं। मिस्त्री ये बताइए, इसमें पुराने ईटे का भी प्रयोग हुआ है? हाँ, थोड़ा सा नीचे लगा जो मिट्टी के अंदर। फिर भी कितना लगा होगा? वही 2 रद्दे। लगभग उसके काउंटिंग कितना होगी, गिनती कितनी होगी? वही लमसम काउंटिंग हाउस वाला लगभग 2 सीटा लगा हुआ है। उधर नहीं लगा हुआ है जी, इधर ही बस लगभग 200 नजदीक था, वलकज था बना, वही लगाए। नहीं, उधर भी दीवार में लगा है। आपका नाम? सुपूजन यादव। सुपूजन, ये बताइए ये नाला है? जी ये नाला है। इस पे इसकी कुछ शिकायतें आई थी जो है, इसके लिए इसके संदर्भ में बताइए आप। इसकी शिकायत है सर कि ये जो है कि जो वर्तमान प्रधान है जी, इस पे जो है कि 1,83,000 का पेमेंट करवा लिया है जी, 2-3 भाग में, और इसमें जो है कि काम केवल 20 मीटर करवाया है।
कितना पास हुआ है पूरा पैसा? 1,83,000। 83,000 जी। और कार्य तो यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कार्य आप देख लीजिए सर, हम लोग मीडिया को आप लोग को भी दिखा दिए, फिर SDM के भी फोन किए हैं, उनको भी दरखास्त दिए हैं, वीडियो को भी कहे हैं जी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सेक्रेटरी साहब क्या बता रहे थे? और सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि अगर उनसे बात किया जा रहा, कोई उनको खुलासा किया जा रहा तो कह रहे हैं कि गलत से पैसा जो अकाउंट में चला गया है, मोबाइल बंद कर दे रहे हैं। और उसके बाद जो फिर फोन लगाओ रिफिल करो, तो मतलब उसके बाद मोबाइल उनकी स्विच ऑफ हो जा रही है।